नमस्कार, इस समय खबर आप देख सकते हैं करनाल कोर्ट परिसर से, जहां पर पिछले साल के प्रधानी कंवरप्रीत सिंह भाटिया जीत चुके हैं। जी हां, कंवरप्रीत सिंह भाटिया जीत चुके हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल एडवोकेट्स का चुनाव था और करनाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो चुनाव था, कंवरप्रीत सिंह भाटिया जीत चुके हैं। प्रेसिडेंट पद के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हरीश आर्य जीते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस खबर को देखे, इस खबर को शेयर जरूर करें। देखिए, ये जीत जो है एक आम वकील की जीत है। नहीं कहना चाहूंगा, एक जो बात थी आम वर्सेस खास, आज इस कचहरी के वकीलों ने साबित किया है कि ये खास की जीत नहीं होती, कभी आम वकीलों के ही चलती है। बार काउंसिल के जो हमारे मेंबरान थे, उनके कैंडिडेट को इस निकाल दिया गया है। आज ये बार एसोसिएशन करनाल की जीत है। मेरा आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट, धन्यवाद। कौन आपकी टीम में जीता है? मेरे टीम में अभी मुझे देखिए, जो भाई को लाना हरीश आर्य जी हैं और सेक्रेटरी हमारे सुमित मोहन जी हैं और तरुण तपन वर्मा जी हमारे कैशियर हैं और समाना जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है। वकील देखिए, मेरे को अपने गुरु जी का एक याद आ रहा है, बीएस पहलगुर ने जीता और ये हमारा एक ग्रुप है, टोटा ग्रुप, जो कि सारे वापस भाई वापस इकट्ठे हुए और इसको एक आम वकीलों की जीत में तब्दील किया। देखिए, मेरे को अपने गुरु जी का याद है, चिड़िया नाल जो बाज रहा इस हमारे ग्रुप की जीत है। कभी भी हम लोग यहाँ पर बार काउंसिल के जो मेंबर हैं, देखिए हमारे हित के लिए काम करेंगे, मोस्ट वेलकम। मेरे को अपने एक हमारे वकील साहब है ब्रिजमोहन शर्मा जी, उनकी बात याद आती है, हमने बना के भेजे थे मेंबर, हमारे को सहूलियत मिले, लेकिन कुछ एक मेंबर ऐसे हैं जो कि सर ये चाहते हैं कि बार काउंसिल ही इसका जाए, सब कंट्रोल हो। सारे प्रधान हमारे ग्रुप के चांदवीर जी रहे, निर्मल जी रहे, सुरजीत नरवाल, दविंदर मान जी, हमारे आर ओ साहब भी देखिए, बड़ा निर्मल जीत भी मलिक साहब, डायरेक्टर जी, देखिए हमारे जो पुराना ग्रुप था वो सारा इसमें इकट्ठा हुआ है। हम लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से कंवरप्रीत सिंह भाटिया जो प्रधान चुने गए हैं उनकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जश्न का माहौल देखा जा सकता है करनाल कोर्ट परिसर में एडवोकेट चैंबर्स के बाहर, जहां पर कंवरप्रीत सिंह भाटिया एक बार फिर से प्रधान पद के लिए जीत गए हैं। ये दिवाली का मौसम है और ये हम वकीलों की बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। हम सब आपका बहुत, आपके वकील लोग ऐसे ही दिवाली मनाएंगे जैसे बुराई पे अच्छाई की जीत दर्ज करके श्री राम जी अयोध्या लौटे थे, ऐसे ही सब वकील साथी बहुत खुश हैं कि हमने इस बार से लुटेरों को भगा दिया है और एक ईमानदार इंसान को अपने प्रेसिडेंट के लिए चुने गए हैं और कंवरप्रीत सिंह भाटिया प्रेसिडेंट पद के लिए इस समय हरीश आर्य हमारे साथ है। हरीश आर्य क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुने गए, किस तरह की जिम्मेवारी रहेगी, सभी को साथ लेकर चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 100% हर आदमी को कोशिश करेंगे,
शंकर जैसे मनाते हुए इस समय तपन वर्मा जीते हैं। ये लाइव तस्वीरें ट्रेजरर की पोस्ट पर तपन वर्मा जीते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तपन वर्मा ट्रेजरर की पोस्ट पर और खबर प्रीत भाटिया प्रधान पद के लिए इस समय लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये जश्न की तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कोर्ट परिसर से जश्न की तस्वीरें, जहां पर किस तरह से सभी एडवोकेट्स जमकर नजर आ रहे हैं, जमकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तपन वर्मा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हरीश आर्या प्रेसिडेंट, खबर प्रीत सिंह भाटिया, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तपन वर्मा और खबर प्रीत सिंह भाटिया जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस खबर को देखे, इस खबर को सोनू कुमार जी, मैं उन तीनों का और मेरी पूरी बार का और मेरे सीनियर जूनियर और मेरे साथी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे पहले चुनाव में मेरे को 594 वोट मिले हैं और मैं 198 वोट से बीजेपी में हूँ। जश्न का माहौल, जश्न का माहौल करनाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर से, जहाँ पर सभी एडवोकेट शंकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश आर्या वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तपन वर्मा ट्रेजरर पोस्ट के लिए। तपन वर्मा सारे करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। तपन वर्मा ट्रेजरर जमकर जश्न मनाते हुए सभी एडवोकेट दिया, जश्न मनाते हुए सभी एडवोकेट्स वाइस प्रेसिडेंट हरीश आर्या, आप देख सकते हैं पूर्व प्रधान भी यहां पर मौजूद हैं और किस तरह से जमकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारा ग्रुप बहुत बढ़िया वोटों से, 200 वोटों से जीता है और ये सारी बार का सहयोग है, सारी बार की मेहनत। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीएस पहल ग्रुप, चांदवीर मडान, देवेंद्र सिंह मान, सुरजीत नरवाल, निर्मलजीत सिंह विर्क, ग्रेटा साहब, ये सब वकीलों का, ये सब वकीलों का एक जॉइंट एफर्ट था कि एक ईमानदार प्रधान इस बार को चाहिए, हमें लुटेरा आदमी इस बार में नहीं देना। जो वकील, जो प्रधान सिर्फ वकीलों के, जो प्रधान सिर्फ वकीलों के हित की बात कर सके, अपने जूनियर वकीलों को साथ लेके चल सके, उनकी भलाई कर सके, आज बुराई पर सच्चाई की जीत हुई है। बुराई पर सच्चाई की जीत कहते हुए हमारा ये नारा था कि फिर एक बार ईमानदार। जमकर जश्न मनाते हुए सभी एडवोकेट्स करनाल बार से, करनाल एडवोकेट्स की जो बार है वहां से आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। किस तरह से ट्रीजरर इस समय तपन वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट हरीश आर्या और प्रधान कंवर प्रीत सिंह भाटिया, जी हाँ, ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सभी एडवोकेट्स जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे भाइयों की जीत की खुशी है, ये सारे भाइयों की जीत का परिणाम है, ये एक विश्वास की जीत है, ये सेवा की जीत है और ये दिवाली से पहले की दिवाली है वकील भाइयों। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सभी एडवोकेट जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सिंगल पेनी, दैट्स व्हाई दिस बार इज सो स्पेशल।
जश्न मनाते हुए करनाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर एक बार फिर से हम आपको बता दें कंवर प्रीत सिंह भाटिया को एक बार फिर से प्रधान पद के लिए चुन लिया गया और उसके बाद ट्रेजरर की पोस्ट के लिए तपन वर्मा को जीता गया चुना गया और वाइस प्रेसिडेंट के लिए हरीश आर्य को चुन लिया गया, जिसकी तस्वीरें इस समय लाइव देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। किस तरह से सभी एडवोकेट साथी यहां पर जमकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। साथी जीत गए हैं, तपन वर्मा ट्रेजरर के तौर पर चुने गए हैं, वहीं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हरीश आर्य चुने गए हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रधान की, तो प्रधान जो है कंवर प्रीत भाटिया चुने गए हैं और उनके जो तमाम साथी हैं वो यहां पर जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जीत का जश्न है वो तमाम वकील यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो है जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि सुबह से माथापच्ची चल रही थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन शाम होते होते रात होते होते रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट आने के बाद जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कौन किस तरीके से जीता है। करनाल बार संघ के जो चुनाव हुए हैं, प्रधान के तौर पर कंवरप्रीत भाटिया चुने गए हैं, वहीं उप प्रधान के तौर पर हरीश आर्य चुने गए हैं, सचिव के तौर पर सुमित शर्मा चुने गए हैं, वहीं संयुक्त सचिव के तौर पर सुनील समाणा चुने गए हैं, वहीं कोषाध्यक्ष के तौर पर तपन वर्मा चुने गए हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि करनाल बार संघ चुनाव के जो प्रधान हैं वो कंवरप्रीत भाटिया चुने गए हैं, जिन्होंने राहुल बाली को मात दी है, वहीं उप प्रधान हरीश आर्य चुने गए हैं, वहीं अगर बात की जाए सचिव की तो सुमित शर्मा चुने गए हैं, वहीं बात की जाए संयुक्त सचिव की सुनील समाणा चुने गए हैं, कोषाध्यक्ष तपन वर्मा चुने गए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी किसी उम्मीदवार की या किसी भी पार्टी के का जश्न होता है, जब उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं या फिर कोई बार संघ का चुनाव होता है तो वहां पर वो उम्मीदवार जीत जाता है, इसकी ये तमाम साथी सुबह से या पिछले कई दिनों से पुरजोर कोशिश कर रहे होते हैं। फिलहाल ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे थे कि कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं और कौन कौन से उम्मीदवार जीत के करीब हैं, लेकिन रात होते होते चुनावों के नतीजे आ गए हैं और कंवरप्रीत भाटिया प्रधान के तौर पर चुने गए हैं, दोबारा से चुने गए हैं। पिछली बार भी वो करनाल बार संघ के प्रधान थे, वहीं उप प्रधान के तौर पर हरीश आर्य चुने गए हैं, वहीं सचिव के तौर पर सुनील चुने गए हैं, साथ ही साथ संयुक्त सचिव के तौर पर जो है सुनील समाणा चुने गए हैं। वहीं अगर बात की जाए जो कोषाध्यक्ष का
का पद होता है उस पर तपन वर्मा चुने गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल बार संघ से दिखा रहे हैं और यहाँ पर जीत का जश्न मनाते हुए तमाम वकील आपको नजर आ जाएंगे। ये खुशी है उस जीत की जिसकी ये लगातार सुबह से कोशिश कर रहे थे कि उनका साथी जीत जाए, उनका जो वकील है जो चुनाव मैदान में उतरा है वो जीत जाए। और जैसे ही रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद जश्न का माहौल, खुशी का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ साथ फूल मालाएं और फूल मालाओं के साथ साथ लड्डू बांटकर यहां पर खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधान के तौर पर कंवर प्रीत भाटिया जो पहले भी प्रधान थे वो चुने गए हैं। उसके साथ साथ अगर उप प्रधान की बात की जाए तो हरीश आर्य चुने गए हैं और अगर बात की जाए कोषाध्यक्ष की तो तपन वर्मा चुने गए हैं। वहीं संयुक्त सचिव के तौर पर सुनील समाणा को यहां पर वकीलों ने जिताया है। वहीं सचिव के पद पर भी यहां पर जीत हुई है और आप देख सकते हैं कि तमाम वकील यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि किस तरीके से उनकी जो कोशिश है वो रंग लाई है। क्योंकि जब भी विधायक का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, सरपंची का चुनाव होता है या किसी बार संघ या किसी और हिस्से का चुनाव होता है तो वहाँ पर उनके साथी लगातार सुबह से कोशिश में जुटे होते हैं कि किस तरीके से अपने उम्मीदवार को जिताना है। अपने उम्मीदवार को जब जिताना होता है तो वहाँ पर एक खुशी का माहौल हो जाता है अगर उनका उम्मीदवार जीत जाता है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग खुशी मना रहे हैं। कंवरप्रीत भाटिया प्रधान चुने गए हैं और हरीश आर्या उप प्रधान चुने गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए संयुक्त सचिव की तो सुनील समाणा चुने गए हैं और अगर बात की जाए सचिव की तो सुमित शर्मा चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष तपन वर्मा चुने गए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए बाकी खबरों के लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।